आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरा के लड्डू, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 कप मुरमुरा ले लिए हैं। आप कोई भी कटोरी का मेजरमेंट कर लें, इससे ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मुरमुरा को डालकर हमें अच्छी तरह से भूनना है, जिससे कि ये रोस्ट हो जाए। आप हाथों से दबाएंगे ना तो ये अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा। मुरमुरा को हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो ये क्या होता है, नीचे से जल भी सकता है, और अगर ये जल जाएगा ना तो लड्डुओं का स्वाद हमारा ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें भूनें, ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही ये भून जाते हैं। तो कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये भुन गए हैं, इनमें हल्का सा कलर आ गया है, और ये हाथों से आप इस तरह से जब इन्हें दबाएंगे ना तो इस तरह से बहुत ही आसानी तरह से क्रश हो जाएंगे। इन्हें भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे इसमें लड्डुओं में क्रंचीनेस रहेगा। अगर आप इन्हें ऐसे ही बना लेंगे तो ये फिर बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब मुरमुरे को हमने निकाल दिया है साइड में। अब 1 कप हमने लिया है गुड़, तो आप 3 कप लें मुरमुरा तो 1 कप लें आप गुड़, और 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो जैसे बबल गम का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह के टेक्सचर आने तक हमें इसको बॉईल करना है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा कुक ना करें, मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ना तो ये गुड़ जल भी सकता है। तो हमें कोई भी चीज़ जलानी नहीं है, अच्छी तरह से कुक्ड होनी चाहिए। ये लड्डू बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं, और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेज़रमेंट आपको बिल्कुल सही रखना है, और ये मुरमुरे और लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। आपके घर में सभी को बहुत पसंद होंगे, आप हमेशा मार्केट से लाते होंगे। तो ये देखिए अब इसमें किस तरह से फैन टाइप का आ रहा है ना, इस तरह से इसमें आने देना है। अगर आप चाहें तो इसमें घी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा बिल्कुल भी ना डालें, उससे लड्डू हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से ये देखिए इसमें फ़ैन आना स्टार्ट हो गया है। अब जब आप इसको उठाएंगे ना तो आपको इसमें से ड्रॉप ड्रॉप सा दिखेगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, पानी से इसे चेक करेंगे। पानी में डालने से अगर इसमें लग रहा है आपको बबल्स टाइप के, बबल गम जैसे लगता है ना, जैसा वैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रैक होगा तो ये लड्डू खाए नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो फिर बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्टिकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। गैस का फ्लेम बंद करके हम इसमें डाल देंगे मुरमुरा, तो हमारा जो गुड़ का टेक्सचर है वो बिल्कुल सही है, चाशनी एकदम तैयार है। सारे मुरमुरे को हम एक साथ ही डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेज़रमेंट अगर आप इसी तरह का रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ें इसमें। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड तिल भी डाल सकते हैं, अगर आपको मुरमुरे के लड्डू में तिल का टेक्स्चर भी पसंद है तो। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसमें मिक्स हो रहा है ना, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये गीला टाइप का है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, क्योंकि जो मुरमुरा होता है ना वो सोक करने में एब्जॉर्ब होता है। तो जब आप इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ना तो मुरमुरे में बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडा ना होने दें, बिल्कुल थोड़ा सा कि आप हाथों से इसे टच कर सकें। तो कंटिन्यू हिलाते रहें, फिर हाथों में आप घी या फिर पानी डालकर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये हल्का सा सूख रहा है तो आप फिर से इसे गैस में रख दें, हल्का गुनगुना होने दें और ये लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। तो हाथों में बिल्कुल हल्का सा पानी मैंने लगाया है, और ये देखिए बहुत ही इजीली हमारे लड्डू बन रहे हैं ना, ना ही बिखर रहे हैं ना ही टूट रहे हैं। तो इसको इस तरह से हाथों से थोड़ा सा करके आप बांधें, लड्डू बहुत ही इजीली बन जाएंगे, बिखरेंगे भी नहीं, और बड़े छोटे साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बच्चों को ये लड्डू बहुत पसंद आते हैं, मार्केट में हम हमेशा खरीद के लाते हैं, लेकिन अब आप इनको घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, बस आप इनको ठंडा होने दें और इसके बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें, और फिर जब चाहें तब आप इन्हें इंजॉय करें। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा हाथों से, क्योंकि ये गर्म है ना तो आपको लगेगा कि ये बिखर रहा है, लेकिन आप इसे हल्का सा जॉइंट करें दबाव दे के, और बस फिर हल्के हाथों से आप इन्हें बांधना स्टार्ट कर दें। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी लगा कर भी ना बांधें आप इसे, ये लड्डू बहुत ईजली है, देखिए सारे लड्डू हमारे बंध जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं बंध रहे हैं, हल्के से ड्राई हो गए हैं, तो फिर से आप इन्हें क्या करें, गैस में रख दें 1 से 1.5 मिनट के लिए, आप इन्हें गर्म करें और फिर से इसी तरह से बनाना शुरू कर दें।
तो सारे लड्डू बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। आपको मेरे चैनल में बहुत ही ईजी तरीके से घर में रखे हुए सामान से बनी हुई रेसिपीज देखने को एवरीडे मिलेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए, ये लड्डू भी हमारा बन गया है। तो जितना हमने मिक्सचर लिया है, इतने में काफ़ी सारे लड्डू बन जाएंगे। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से जितने चाहे उतने लड्डू बना लें, मेजरमेंट आपको यही रखना है। तो ये देखिए, सारे लड्डू हमारे हो गए हैं तैयार। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही यम्मी मुरमुरे के लड्डू। इस संक्रांति आप इन्हें बनाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, मकर संक्रांति मनाइए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।